very good morning and assalamu alaikum my dear class one how are you all i hope you all are fine enjoying good health learning at homes as you all know i am your social studies teacher arugianus and i hope my dear students you all are doing your home task enjoying online video lectures okay so let's move towards today's video lecture and as you all know, my dear students, we are uh, uh, doing review of our previous uh, lectures, our previous lessons, and in our previous lecture, we uh, started the review of uh, unit 2, good health lesson, healthy food. हमने रिवीजन स्टार्ट की है हमने जो काम कर लिया हुआ है हम उसको दोबारा से याद करें उसको हम दोबारा से लर्न करें हैं तो आपको पता है कि हमने पेज नंबर एटीन की रिवीजन की थी आज हम पेज नंबर नाइनटीन की रिवीजन करेंगे और ही इसके बुक वर्क की रिवीजन करेंगे सो तो हरिया टेक आउट योर एसएसटी बुक्स ओपन अप योर पेज नंबर नाइनटीन और क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको याद है कि हमने पिछले लेसन में क्या पढ़ा था हमने हेल्दी फूड की रिविजन स्टार्ट की थी बट हमने उसमें क्या डिस्कस किया था हेल्दी फूड क्या होता है वॉट इज़ हेल्दी फूड डॉक्टर सबा टोल्ड अस अबाउट सम फूड दैट वी शुड ईट लाइक राइस मीट एग्स सीरियल्स मीट एंड एग्स मेक योर बॉडी ग्रो सीरियल्स गिव यू एनर्जी एंड मेक यू स्ट्रॉन्ग और आपको याद है कि मैंने आपसे कहा था कि आपने डेली दो ग्लास पीने हैं दूध के और आपने इसको ज़रूर पीना है इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मज़बूत बनती हैं आपको इस तरह का खाना खाना चाहिए जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो आप ग्रो कर सकें अभी आपको बताओ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं तो आपको ग्रो अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए बड़ा होने के लिए हेल्दी फूड चाहिए जंक फूड ज़रूर खाएं लेकिन कभी कभी खाएं ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाएं यू शुड also eat fruits like apples, mangoes, oranges, pears, क्वा peaches, bananas, melons, plums, grapes, pomegranates, papaya, watermelons to keep you healthy. आपको पता है हमारे पास बहुत मज़े मज़े के फ्रूट्स होते हैं हमारे पास फल होते हैं बड़े यमी यमी से होते हैं और आपको चाहिए कि आप वो ज़रूर खाएं। दूध पीना चाहिए आपको फ्रूट्स uh, खाने चाहिए ताकि आप स्ट्रॉग रह सकें आप अच्छे से ग्रो कर सकें ओके नाउ मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर नाइनटीन फ्रूट्स गिव यू विटामिन टू स्टॉप यू गेटिंग इल और आपको है कि फल खाने से आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स और आपको है हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं क्या आपको ये बात पता है जी हमें फ्रूट्स मिलते हैं दरख्तों से यू मस्ट वॉश फ्रूट्स बिफोर यू ईट दैम आपको पता है कि जब भी आपके घर फ़्रूट्स आए वेजिटेबल्स आए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए आपको चाहिए कि उन्हें अच्छे से वॉश कर लें आपकी ममाज वॉश करती होंगी उनको इस्तेमाल करने से पहले ताकि उसमें जो भी डर्ट लगी डस्ट लगी है, जो भी जर्म्स हैं वो वॉश हो जाएँ वो साफ़ हो जाए और आप उनको खा सकें अली एस्क वट एल्स शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी अब अली ने पूछा कि हमें और क्या खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए सो डॉक्टर सबर रिप्लाइज यू शुड ईट वेजिटेबल्स एवरी डे दे कंटेन द मिनरल्स एंड वाइटामस दैट योर बॉडी नीड्स अब आपको बताए कि हमारे लिए सब्ज़ियाँ खाना भी बहुत ज़रूरी है उनमें मिनरल्स और वाइटाम होते हैं जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं वी कुक दीज वेजिटेबल्स दीज वेजिटेबल्स आर एट रो ए सैलेड अब आपको पता है कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो हम कुक करके पका कर खाते हैं और कुछ तो हम ऐसे ही ऐसे भी खा सकते हैं जैसे कि हम गाजर ऐसे खा सकते हैं मूली भी खा सकते हैं तो आ, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम पकाते हैं आपकी मम्मा घर में मुख्तलिफ़ तरह के खाने बनाती होंगी जिनमें वेजिटेबल्स यूज़ होती होंगी और कुछ हम सलाद में यूज़ करते हैं खीरे इस तरह से हम वेजिटेबल्स को खाते हैं और वेजिटेबल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं

ठीक है आपके आ, सेहत के लिए जो अच्छी चीज़ें आपको वो ज़्यादा खानी चाहिए जंक फूड भी खाएं बट ज़्यादा मत खाएं कभी कभार खाएं ओके माय डियर स्टूडेंट्स मूविंग टू वर्ड्स पेज नंबर ट्वीन आप में से कुछ बच्चों का आ, ये काम अगर मिस हो गया है तो वो इसको कर सकता है और जिनका हुआ हुआ है वो रिवाइज कर ले दोबारा से इसको रीडिंग कर लें ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर सकें हमारे पास आ, क्वेश्चन है क्वेश्चन वन मैच द फॉलोइंग फ्रूट्स विद देयर प्लांट्स अब आपने फ्रूट्स देखने हैं और उनको जो प्लांट्स हैं उनके जहाँ से हम उनको हासिल करते हैं वहाँ पे आपने उसके साथ मैच कर देना है लाइक like दिस सबसे पहले आपने फर्स्ट uh, जो हमारे पास पिक्चर है उसको आपने किससे मैच करना है येस पिक्चर नंबर थ्री के साथ फिर हमारे पास टू पे टू को आपने मैच करना है नीचे जो हमारे पास पिक्चर्स बनी हुई हैं हमारे पास पिक्चर्स गिवन है पिक्चर नंबर वन के साथ यू हैव टू मैच इट विद पिक्चर नंबर वन नाउ मूविंग टुवर्ड्स थ्री ये हमारे पास पिक्चर है बनाना की सो यू आर गोइंग टू मैच इट विद इट्स प्लांट picture number 5 and you are going to match coconut with picture number 4 plant number 4 and like this you are going to match 6 with picture number 2 done dear students इसी तरह से अब हम अपने क्वेश्चन नंबर टू टू को करने लगे हैं मैच द फूड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इट इज़ मेड ऑफ़ अब आपने बताना है जल्दी से मुझे अब आप देख रहे हैं कि कैचअप है हमारे पास सबसे पहले तो किससे बनती है आप बड़े शौक से खाते हैं ना कैचअप बहुत पसंद होती है हमें फ्राइज़ के साथ बर्गर्स में तो वो किससे बनती है क्या आपको पता है Gee, it is made of tomatoes, so you are going to match it with tomato. In this way, you are going to match juice with orange. अब जूस तो हमारे पास डिफरेंट तरह के जूसेस होते हैं कुछ कैरेट से बनते हैं कुछ हमारे पास ऑरेंज से बने होते हैं और अक्सर हम घर में भी जूस बना बना के पीते हैं लाइक like, मुझे गाजरों का जूस बहुत पसंद है तो मैं आ, गाजरों का जूस बना कर पी लेती हूँ सो so, इस तरह से यहाँ पे तो आपको पता है बॉक्स पे हमारे पास किसकी पिक्चर बनी ऑरेंज की सो so, ये जूस है ऑरेंज का तो आप इसको किससे मैच करेंगे विद yes, ऑरेंज ओके नाउ फ्राइज ये भी सबको बहुत पसंद होती है और बड़ी शौक़ से खाते हैं आप यू आर गोइंग टू मैच इट विथ पिक्चर नंबर टू पटैटोज़ नाउ सैलेड अब हमारे पास सैलेड है तो हम किससे बनाते हैं जी मुख्तफ तरह की सब्जियों से हम बड़ी यमी सी मज़े की सैलेड बना सकते हैं अब हमारे पास क्या है ये है हमारे पास गाजरों का हलवा तो वो किससे बनाओगा यस गाजर से clear my dear students uh, okay my dear students we will meet in next video lecture till then take care of yourselves allah hafiz